નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ છીએ. અને આજે અમારા સ્ટુડિયોમાં હાજર છે, કદાચ દર્શક મિત્રો યાદ હશે આપને, એક દશકા પહેલાનો જો સમય યાદ કરો તો એક સ્વદેશી અભિયાન સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની અંદર એક વાઇબ્રન્ટ અભિયાન કહી શકાય તેવું અભિયાન ચાલ્યું હતું. અને જેના કારણે હિન્દુસ્તાનીઓ સ્વદેશી તરફથી જે ક્યાંક વળી ગયા હતા વિદેશી વસ્તુઓ તરફ, તેને પાછો લાવવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો હતો, જે કહી શકાય કે મહાયજ્ઞ કર્યો હતો જેમણે રાજીવ દીક્ષિતજી. રાજીવજી અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં આવ્યા છે. રાજીવજી, આપકા સ્વાગત હૈ. રાજીવ, સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહુંગા કે કહાં ગુમ હો ગયે થે રાજીવજી? તરસ રહી થી આખે રાજીવજી કો દેખને કે લિયે, સ્વદેશી કી બાત જો નશા આપને મતલબ ચડાયા થા, ખાસ કરકે બોલું હર એક ઇન્સાન ઉસ વક્ત 92, અગર મેં ગલતી નહીં કરતા તો 1992 સે આપકા અભિયાન શરૂ હુઆ થા, કહાં ચલે ગયે થે રાજીવજી? मैं कहीं नहीं चला गया था, यही भारत में था. बस इतना ही था कि अभियान हमने गुजरात से शुरू किया था जी. 1992 से 1996-97-98 तक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम भारत में बहुत ज्यादा केंद्रित था, तो इसलिए मेरा आना जाना बहुत ज्यादा था. पिछले कुछ 7-8 साल में दक्षिण भारत में चला गया, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, तो इसलिए इस तरफ आना जाना मेरा कम हो गया. तो इसलिए आपको लगता है कि गुम हो गया, मैं गुम नहीं हुआ, इसी भारत पे था. अभी समस्या ये है कि भारत बहुत बड़ा देश है जी. इतना बड़ा देश है कि यूरोप जैसे 20-25 देश इसमें समा जाए, तो इसलिए कभी एक इलाके में अभियान ज्यादा होगा तो दूसरे में थोड़ा कम होगी. और ये चीज भी ऐसी नहीं है कि सिर्फ लकड़ी घुमाई और जाके परिवर्तन आ जाता है, वक्त लगता है. ग्राउंड नेटवर्क भी इतना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इतने सालों से जो कहीं ना कहीं स्तर जमा हुआ है, विदेशी अटैक आक्रमण जो हुआ था, विदेशी चीजों का, विदेशी संस्कृति का, सडनली एक दो सेकंड में तो चेंज नहीं हो सका, एक दो वीक में भी चेंज नहीं हो सकता. क्या बेसिक फंडा, अगेन लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, दर्शक मित्रों आपने बता दू के खास करने अत्यारनी जनरेशन छे, આ 17-18 યર્સના આ યુથને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય કે 92-96 જે પ્રમાણે અભિયાન ચલાવ્યું હતું તેની અંદર રાજીવજીએ બિલકુલ એક ક્રાંતિ કરી હતી. અને ઘણા બધા લોકોએ એમનું વક્તવ્ય સાંભળ્યા બાદ અને લોજિકલ જેમણે આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા હતા તેના બાદ ઘણા બધા લોકોએ વિદેશી વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો હતો. અગેન મેં બાત પે આતા હું કે ક્યા ફંડામેન્ટલ જો ખાસ કરકે આપકે જો આર્ગ્યુમેન્ટ્સ થે ક્યા થે બેઝિક. हमारा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि आजादी मिलने के बाद इस देश में अंग्रेजी, अंग्रेजियत और विदेशी के प्रति मोह क्यों होना चाहिए. आजादी के पहले हम अंग्रेजियत में फंसे हुए थे, ठीक है. आजादी के पहले हम मजबूर थे, अंग्रेजी सामान इस देश में ज्यादा बिकता था क्योंकि नीतियां इस तरह की बना रखी थी अंग्रेजों ने कि भारत में अंग्रेजी माल जो है वो टैक्स फ्री होगा और स्वदेशी माल पे टैक्स होगा, तो इसलिए ज्यादा अंग्रेजी माल बिकता था. तो सारे क्रांतिकारियों का एक सपना था कि आजादी जैसे ही मिलेगी तो ये अंग्रेजी माल मिलना तो बंद हो जाएगा, भारत में स्वदेशी की तरफ हम बढ़ेंगे. लेकिन आजादी मिलने के 62 साल के बाद भी हालत वही है. पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकता था, अभी 4,500 विदेशी कंपनियों का माल बिक रहा है. तो इसलिए हमारा तो लॉजिक ये है कि भाई आजादी आई है तो उसको सही अर्थों में आजादी स्थापित होनी चाहिए और स्वदेशी की तरफ देश को बढ़ना चाहिए. तो हमारा ये मानना है कि फालतू में विदेशी सामान खरीद कर हम लाखों करोड़ रुपए अपना भेजते ही रहे विदेश को, जो अंग्रेजों के जमाने में जाता था आज भी वही जाए. मैं आपको कुछ आंकड़ों में बताऊं तो अंग्रेजों मुझे 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 बिल्कुल वही रस है क्योंकि राजीव दीक्षित जी के जो वक्तव्य चलता हो और आंकड़े नहीं आए तो कुछ कमियां लगेगी. बताइए, अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल फिगर्स है कि वो हर साल यहाँ से 70 करोड़ रुपए लेके जाते थे. ये रुपए में मैं बात कर रहा हूँ तब जब 300 गुने से ज्यादा रुपए में इन्फ्लेशन आ चुका है तब से लेके आज तक. तो अगर वो इन्फ्लेशन को साथ में रखें तो मान लीजिए 21,000 करोड़ रुपए के आसपास वो लेके जाते थे साल में. अब आजादी के 62 साल के बाद करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं, तो उल्टा हो गया मामला. आजादी के पहले हम ज्यादा स्वदेशी थे, आजादी के बाद ज्यादा विदेशी हो गए. तो हमको स्वदेशी की तरफ जाना है,
ये हमारा सबसे बड़ा लॉजिक है कि अपना पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए, और वो भी ऐसी चीज वस्तुओं को खरीदी करके जो हम बनाते हैं। राजीव जी, कई बार आपके ऊपर आक्षेप भी लगता है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनी है, खास करके इंडियन कंपनीज है, उनके एजेंट है राजीव दीक्षित। अगर ये आरोप लगता है तो मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि हिंदुस्तानी कंपनियों की अगर वकालत मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। चलो बहुत अच्छे। अगर विदेशी चीज के आप खिलाफ है, विदेशी संस्कृति के आप खिलाफ है, विदेशी चीजों, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है राजीव जी, कहीं ना कहीं लगता है कि आउट ऑफ डेट बात ये लगती है। स्वदेशी चीजों का जो भी उपभोक्ता है वो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करे, लेकिन जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद भी कर रहा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता है, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी बाहर जाती है, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, क्या आपको लगता है कि ये बेसिक फंडामेंटल कहीं गलती है? एक जमाने में ये लॉजिक सही था, जिस तरह से आज ग्लोबलाइजेशन इतनी मतलब इतना बड़ा ब्रॉड वे में अगर फैल रहा है, उस वक्त कहीं ना कहीं हमको ये बिल्कुल ये हमारी जो टिपिकल डिमांड है सिर्फ स्वदेशी, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? डू फील दैट? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में भी स्वदेशी की बहुत जरूरत है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण, और यूरोप की अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। यूरोप और अमेरिका में इतना बड़ा रिसेशन है जो 1930 के बाद कभी आया नहीं। अब तो वो रिसेशन ही नहीं है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब अमेरिका में जानते हैं क्या हो रहा है? स्वदेशी की बात हो रही है। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति चुनकर आए हैं अमेरिका में, वो तो स्वदेशी के नारे पे चुन के आए हैं। उनका नारा पता है क्या है? बी अमेरिकन बाय अमेरिकन। यूरोप के देशों में ये नारा चल पड़ा है, बी फ्रेंच एंड बाय फ्रेंच। फ्रांस में चल रहा है, बी जर्मन एंड बाय जर्मन जर्मनी में चल रहा है। डच लोग अपना इसी तरह का स्वदेशीकरण का काम कर रहे हैं। तो दुनिया के जो देश जो पहले ग्लोबलाइजेशन में चैंपियन माने जाते थे, अब उनको स्वदेशी की तरफ आना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। हम ये गलती ना करें ग्लोबलाइजेशन में अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म करने का। और मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका में बी अमेरिकन बाई अमेरिकन चल रहा है, तो भारत में क्यों नहीं चलना चाहिए बी इंडियन बाई इंडियन? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे ध्वस्त होने की तरफ बढ़ जाएगी अगर हम इस ग्लोबलाइजेशन को रोकेंगे नहीं, इसको चेक नहीं करेंगे। ग्लोबलाइजेशन को रोकने की बात करें, लेकिन यहाँ मैं आपके वाणी प्रवाह को थोड़ा रोक रहा हूँ, क्योंकि वक्त हो गया है ब्रेक का। दर्शक मित्रों, बात करीशु राजीव दीक्षित साथ है, परंतु एक नाना का विराम बाद। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथि में। बात करें अपने स्वदेशी अभियान ना प्रणेता राजीव दीक्षित जी साथ है। राजीव जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि पूरा वर्ल्ड, जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका भी स्वदेशी अभियान की तरफ चल रहा है, फ्रांस भी स्वदेशी अभियान की तरफ चल रहा है, जर्मनी भी स्वदेशी अभियान, जिस तरह से मंदी का माहौल वर्ल्ड के सभी कंट्री को परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता का एक नेचर है बरसों से अपनी खुद की जो चीज होती है, या तो अपने लोगों के द्वारा बताई गई बात को सीधे उनके गले नहीं उतरती, लेकिन जब विदेशी पैक में आती है, अमेरिका ने स्वदेशी बात की तो हिंदुस्तान को करना चाहिए? आपको लगता है कि अमेरिका ने जब स्वदेशी का राग छेड़ा है, अभी हिंदुस्तानी इसी राग पे आलाप लगाएंगे? मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि भारत में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि राजीव जी की बात मानी नहीं मानी, लेकिन ओबामा ने कहा तो अभी माननी पड़ेगी। अभी नहीं, मैं आपको एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बराक ओबामा ने स्वदेशी की बात कहना शुरू किया और पूरी अर्थव्यवस्था का इंटरनलाइजेशन करने की बात की, स्वदेशीकरण, हमारे देश के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ने कहना शुरू कर दिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट किया, जो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन है, कि भारत को भी अब स्वदेशी के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। और ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में मैं आपसे बताऊं, 1991 में इन्होंने कहा था
कि राजीव दीक्षित जैसे लोग गद्दार हैं जो स्वदेशी की बात करते हैं। अच्छा, उनका स्टेटमेंट बदल गया। हाँ, अब 1991 में मोंटेक सिंह अहलूवालिया ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े चैंपियन थे इस देश में, अब 2009 में कह रहे हैं कि भारत को भी स्वदेशी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इतना बड़ा परिवर्तन इनमें कैसे आ गया? वो बड़ा कारण है बराक ओबामा। वो जो आप कह रहे हैं ना, जब विदेश में होता है तो यहाँ भी लोगों के थोड़े से दिमाग बदलते हैं, तो ये एक कारण है। ये शायद हमारे देश में पढ़े लिखे वर्ग का एक बड़ा खराब है। लेकिन राजीव जी, जिस तरह से आक्रमण रहा है, क्या लगता है कि दिस इज इजी टू चेंज? पूरी सोसाइटी का एक थॉट प्रोसेस चेंज करना, और मुझे मालूम है कि 92 से आपने जो अभियान शुरू किया था, मैं अगेन बोलता हूँ कि क्रांति की शुरुआत आपने की थी, कितनी सफलता मिली और क्या आप सेटिस्फाइड है आपने जो प्रयास था उससे? पूरा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा आंशिक रूप में तो हूँ। हमें जो सफलता मिली है, अगर हम प्रतिशत पे बात करें तो 20-25% हमें सफलता मिली। राजीव जी, अगेन मैं आंकड़ों पे आ जाता हूँ। जिस तरह से विदेशी चीजों का आप 92 में जब आपने अभियान शुरू किया था, मुझे मालूम है कि आपने टारगेट बनाया था सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को, स्पेसिफिक आप फिगर्स देते थे, क्या ये सही में लॉजिकली फिगर एग्जैक्ट क्या है, कितना नुकसान हो रहा है इस कंट्री को? देखिए, सीधा सा है, हमने जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट इकट्ठी की है पिछले 21 साल की, जब से वो भारत में आए हैं तब से हमने उनकी बैलेंस शीट इकट्ठी की है। उससे पता चलता है कि एक बोतल वो 70 पैसे में बनाते हैं और बाजार में आराम से 12 रुपए की बिक जाती है, और पानी जो है वो हिंदुस्तान का है, वो अमेरिका से नहीं आता, यहीं का पानी है। अमेरिका से वो एक कंसंट्रेट लेके आते हैं जो पानी में मिला के हमको दे देते हैं। उस कंसंट्रेट में कुछ केमिकल्स हैं, सोडियम मोनोग्लूटामेट है, पोटेशियम सॉर्बेट है, कई बार ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल मिला है, फिर मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी चीज़ें जो बहुत ही गंभीर मानी जाती हैं, बहुत सीरियस हैं। ऐसी कई खराब चीज़ें जो हमारे शरीर को नपुंसक बना सकती हैं, कैंसर का शिकार बना सकती हैं, वो उनमें मिले हैं। हमारे देश की 2 बड़ी प्रयोगशालाओं ने जांच किया तो पता चला कि हिंदुस्तान की सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली 2 बड़ी अमेरिकन कंपनियों के सभी ब्रांड में खतरनाक स्तर तक पेस्टिसाइड मिला है, टॉक्सिक, जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर को ख़त्म करते हैं वो भी मिले हैं। अच्छा, उन्हीं कंपनियों के हमने यूरोपियन ब्रांड मंगाए, अमेरिकन ब्रांड मंगाए, तो वहाँ पर बहुत सेफ है। वहाँ का जो पीएच लेवल है सॉफ्ट ड्रिंक का अमेरिका का, वो करीब करीब आप समझ लो 6.5 के आसपास है, 6.5-6.8, और हिंदुस्तान में जो पीएच लेवल है वो 2.4 है। अब 2.4 पीएच तो एसिड का होता है, जो हम टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच 2.4 होता है, और यहाँ पेप्सी कोक का पीएच 2.4 है। तो ये जो गंभीर बात है, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। राजीव जी को इतने ठोस सबूत देने के बावजूद भी राजीव दीक्षित को नेशनल लेवल की चैनल नहीं बुलाती है बात करने, कहीं लगता है उनको, आपको लगता है कि उनको डर है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनका एड बजट कम कर दे या रोक दे? हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय चैनल वाले बात करते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं, वो कहते हैं मुझसे कि राजीव भाई आपकी बातें तो सब सही है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम क्या जब तुम्हें लगता है कि बातें सही? वो कहते हैं कि आप जितनी कठोर भाषा में बोलते हैं और सीधे जो अटैक करते हैं मल्टीनेशनल पे, हमारा तो बड़ा बजट उन्हीं के हिस्से का है तो इसलिए छोटे जो चैनल हैं या लोकल चैनल हैं जो ज्यादा विदेशी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट पे निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है, वो लोग बुलाते हैं, बात करते हैं खुलकर। ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर विदेशी कंपनियों का कितना होल्ड रहेगा और कितना पैसा, कितनी पूंजी हमारी विदेशों में विदेशी कंपनियां ले जाती है? हमारे देश में एक सेक्टर है जिसको FMCG सेक्टर कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको कहते हैं, घरेलू सामान, इसमें तो सबसे ज्यादा विदेशियों का पूरा कब्जा हो गया है। बाकी कुछ सेक्टर है जिसमें ज्यादा विदेशी कंपनी नहीं आ पाई है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, जो हमारी
मेगा इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें तो इतना दखल नहीं है। मोटर कार की इंडस्ट्री में थोड़ा विदेशी कंपनियों का दखल हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दखल हुआ है हमारे देश के कंज्यूमर आइटम्स में, क्योंकि इनको बनाने का खर्चा बहुत कम आता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक रुपए में बनने वाली चीज 40 रुपए में बिकती है। ओह हाँ, ये स्थिति है। मैं आपको ऐसी कई कॉस्मेटिक्स क्रीम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, जो 1 किलो बनाई जाए तो मुश्किल से 20-25 रुपए 50 रुपए का खर्चा आएगा, और वो 1 किलो बेची जा रही है 1600 रुपए से 2000 रुपए। लेकिन बिकेगी ना राजीव जी, क्योंकि विदेशी जो आपने बताया खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट, उनकी एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि वही चीज इस्तेमाल करो तो काली भैंस गोरी भी बन जाती है। हिंदुस्तानी प्रोडक्ट जो है स्वदेशी, उसमें वो ताकत दम नहीं है। मेरा तो चैलेंज है दुनिया में, एक भी क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बना दे, क्योंकि काला होना गोरा होना आपके जेनेटिक मटेरियल से तय होता है। लेकिन विदेशी क्रीम एडवर्टाइज में तो बता देती है। एडवर्टाइजमेंट तो 100% झूठ है। ये अकेला हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा देश है जहाँ झूठे एडवर्टाइजमेंट करने की खुली छूट है। हमने कई फेयर बनाने वाली क्रीम जो दावा करती है कि हम फेयर बनाते हैं, फेयरर बनाते हैं, पहले से गोरा बनाते हैं, उन सभी क्रीमों को 4-4 साल भैंस को लगा के देख लिया, वो भैंस अभी भी काली की काली है। उन क्रीमों का हमने केमिकल एनालिसिस करा लिया, केमिकल एनालिसिस कराया तो ऐसा एक भी केमिकल नहीं है जो शरीर को गोरा बना सके। शरीर का काला या गोरा होना हमारे शरीर में हमारा जो डीएनए मटेरियल है उस पर फिक्स होता है, वो हमारे माता पिता से फिक्स होता है। और डीएनए मटेरियल के कारण एक मेलानिन नाम का केमिकल होता है ब्लड में, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो रंग काला हो जाएगा, कम हो जाएगा तो गोरा हो जाएगा, बीच में रहेगा तो सांवला। ज्यादा हिंदुस्तानियों का बीच का है, ना हम काले हैं ना गोरे हैं, हम सांवले हैं। और स्किन के हिसाब से सांवली स्किन सबसे अच्छी होती है। काली स्किन में भी सबसे ज्यादा चांसेस है कैंसर होने का, और गोरी स्किन में तो उससे भी ज्यादा चांसेस कैंसर होने का। जो सांवली स्किन है इसी को अच्छा माना जाता है सारी दुनिया। राजीव जी, लेकिन आपने जो भी स्वदेशी अभियान चलाया था, आपको जो भी खास करके भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सबने बहुत ही सहकार दिया था। आप जहां जहां आप अपने लेक्चर रखते थे वहां पे, एनडीए सरकार आने के बावजूद भी पूरी टर्म अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उनके प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 5 साल में ऐसे कोई सुधार नहीं आए जिनकी बातें आपके थ्रू, आपके शब्दों के थ्रू लोगों तक पहुंचाई गई थी। क्या लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि हिंदुस्तानी लोग स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें? नहीं, अब चाहेंगे। पहले तो आपने जो बताया 1992 से जो दौर शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का, उसमें तो किसी राजनीतिक पार्टी की हिम्मत ही नहीं थी स्वदेशी की तरफ जाने की। सत्ता के बाहर रहने पर उन्होंने स्वदेशी की बात की, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने विदेशियों के लिए दरवाजे खोले, क्योंकि वो दौर ऐसा था। अब उस दौर का दुष्परिणाम हमने देख लिया है, और हमने ही नहीं देख लिया, अमेरिका और यूरोप ने भी देख लिया। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां खुशी के साथ स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगी। अभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वदेशी की बात करने लगे हैं। उनका एक सीरियस स्पीच हुआ इस देश में अभी थोड़े दिन पहले, बड़ा कार्यक्रम था ये फिक्की का, और ये जो एसोसिएशन होते हैं ना, इसमें उन्होंने स्वदेशी की बात कर डाली। वो कहने लगे अब महात्मा गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, और महात्मा गांधी का मतलब आपको अभी उम्मीद है कि आने वाली जो भी सरकार होगी, आने वाले 5-10 सालों में ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए लाभकर्ता होंगे? नहीं, मैं 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 50 साल तक इस देश की पॉलिटिक्स स्वदेशी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राजीव जी। अगेन यहाँ मैं रुकूंगा। दर्शक मित्रों, फरी एक बार समय थयो छे नानकड़ा विराम नो, विराम बाद वात चालू राखीशु राजीव दीक्षित जी साथे। राजीव दीक्षित जी साथ। राजीव जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि आने वाले 50 साल तक आपको उम्मीद है कि स्वदेशी अभियान जो भी सरकार आएगी उसको चलाना पड़ेगा, कंसेप्ट उनको लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राजीव जी, एक तीखा सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपने स्वदेशी अभियान चलाया था,
92 से 96 तक फुल फ्लेज में चला था। कहीं ना कहीं स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए बनाया गया अभियान, राजीव जी का प्रोडक्ट के बारे में जो अभियान था, उनको धीरे 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 ऐसा ट्विस्ट किया गया कि विदेशी महिला का स्वीकार न किया जाए ऐसा भी। तो कहीं टारगेट सोनिया गांधी पे तो नहीं था उस जमाने में? बिल्कुल नहीं, हमारा टारगेट कभी व्यक्ति विशेष पे नहीं रहा, हमारा टारगेट है विचार का। सोनिया गांधी जी हमारे अभियान में कहीं केंद्र में नहीं है। वहां पे कोई भी बैठे, सोनिया गांधी बैठे, मनमोहन सिंह बैठे, अडवाणी जी बैठे या कोई भी बैठे, हमारे लिए वो कोई महत्व का नहीं है। हमारे लिए विचार महत्व का है, कार्य महत्व का है। जो आपने थोड़ी देर कहा ना, पहले कहा ना 50 साल स्वदेशी ही केंद्र रहेगा, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास है, क्योंकि इसके अलावा रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे पास रास्ता क्यों नहीं है? आजादी के 62 साल में हमने दो बड़े एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट किया जो नेहरू जी का मॉडल माना जाता है, वो एक्सपेरिमेंट था कि सोवियत संघ और उनकी नकल करके, जैसी उनके यहाँ सर्वमुख्तियारशाही, अगर मैं गुजराती शब्द इस्तेमाल करूं तो जैसी उनके यहाँ सर्वमुख्तियारशाही का सारा सिस्टम है वो हमने यहाँ लाया और वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब उस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ गए 92 से। अब ग्लोबलाइजेशन 2009 में आके फेल कर गया। तो दोनों ही सिस्टम हमने देख लिए कर गए, एक एक्सट्रीम लेफ्ट और एक एक्सट्रीम राइट। एक हमने पूंजीवाद का सारा करके देख लिया ग्लोबलाइजेशन में, वो फेल हुआ, और वो समाजवाद का नेहरू जी का फेल हुआ। इसलिए अब तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, तीसरा और आखिरी विकल्प एक ही बचा है, वो गांधीवाद का है। उसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उसी की तरफ बढ़ते हुए हम समस्याएं हल कर। राजीव जी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्कुल 100% स्वदेशी अभियान को कोई कंट्री लेके नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं जिस तरह से साइंटिफिकली अगर तुमको सपोर्ट चाहिए, कोई नई खोज हुई है, उसके लिए आपको विदेशी किसी अगर जो भी इनोवेशन हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। सिर्फ आइडियोलॉजिकल बात करने से मेरे हिसाब से बात नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान में अगर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट भी करना है, कहीं ना कहीं हमें बाहर से लेना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर स्पेस शटल है, 100% स्वदेशी बनाने में शायद टाइम लगेगा। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, फार्मास्यूटिकल जो फील्ड है पूरा, उसमें बहुत सारा ग्रोथ हिंदुस्तान ने किया है, लेकिन आज की तारीख में भी फार्मा में जो भी रिसर्च करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ उस टाइप की यूनिवर्सिटी नहीं है। उनको अच्छा पढ़ने के लिए उनको विदेश में जाना ही पड़ेगा। क्यों बेसिक मूलभूत स्तर से चेंजेस किया जाए कि जहां से जो थॉट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले जो भी स्टूडेंट है उनको सब चीज हिंदुस्तान में, तो शिक्षा की बात कर रहा हूं, शिक्षा में कहीं सुधार की जरूरत, क्योंकि स्वदेशी जो लास्ट गोल है हमारा शुरू होता है शिक्षा से। आने वाले दिनों में जो भी टेक्नोलॉजी हमें बनानी है, इनोवेशन करना है, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। बेसिक कहीं न्यू में शिक्षा में सुधार की जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में कोई किसी को नहीं देता। मैं आपको जानकारी दूँ, हर एक देश को अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ती है। जैसे सैटेलाइट बनाने के लिए हमको किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने खुद बनाया। रॉकेट लॉन्चर्स के लिए हमें किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने खुद बनाया। सुपर कंप्यूटर के लिए हमको दुनिया के किसी देश ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, हमने खुद बनाया। माने जो भी टेक्नोलॉजी है जिसको हाईटेक कहते हैं वो हर एक देश को अपनी खुद बनानी पड़ती है, दूसरा कोई देश किसी को नहीं देता है। शिक्षा में सुधार की बात, शिक्षा में सुधार ये करना पड़ेगा कि हम हमारी टेक्नोलॉजी जो अब तक हमने बनाई है 62 साल में, इसको लगातार इम्प्रूव करते रहे। उसके लिए R&D के सेंटर हमें बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में खोलने पड़ेंगे। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे, इनकी सारी लेबोरेटरी को R&D सेंटर बनाना पड़ेगा। और अभी हमारा जो खर्चा है R&D पे, ये खर्चा हमें बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान के कुल GDP का 1% से भी बहुत कम हिस्सा। जितने बड़े बड़े नेता आपको समर्थन भी देते हैं, आपकी जो भी वक्तव्य होता है, आपकी बात को कहीं ना कहीं सच भी मानते और मानते कि आइडियल है, राजीव दीक्षित बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन
वही नेता के पांव में नाइकी के जूते होते हैं। तो बातें बातें करना बहुत आसान होता है। शायद हो सकता है कि राजीव दीक्षित पे हम भरोसा करते कि वो एक भी चीज विदेशी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन उनके सामने जो हजारों लोग बैठे या तो उनके जो फॉलोअर कहते हैं अपने आप को, वो लोग सिर्फ सुनने आते हैं, बातें करते हैं आपके साथ, लेकिन जब अपनी ऑफिस में जाते हैं तो वही विदेशी चीजों का इस्तेमाल। ये अफसोस की बात है कि अगर कोई स्वदेशी की बात करे और नाइकी के जूते पहने। मेरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति कोशिश करे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी होने की। वो 10% हो जाए तो अच्छा, 20% हो जाए और अच्छा, 50% हो और अच्छा है, 100% हो जाए तो सबसे अच्छा है। वो धीरे धीरे उसकी विकास यात्रा है, वो जितना बढ़ता जाए। लेकिन ये अफसोस है कि अगर हम स्वदेशी की बात करें और नाइकी के जूते हमें पहनने पड़े तो उससे तो स्वदेशी की अवमानना ही होती है। मैंने अपने जीवन में ये कोशिश जरूर की है कि मेरे जीवन में ये विरोधाभास ना आए कि मैं अगर सॉफ्ट ड्रिंक के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक ना पीऊँ, मैं विदेशी कंपनियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो नाइकी या एडिडास के जूते ना पहनूँ, या ब्रांडेड शर्ट और ब्रांडेड पैंट वगैरह ना पहनूँ। मैं स्वदेशी की बात कर रहा हूँ तो खादी पहनूं, स्वदेशी की बात कर रहा हूँ तो खादी की चप्पल पहनूं। मैंने तो कोशिश की है और दूसरे साथियों से भी कोशिश करवाने के लिए रात दिन में प्रयास करता हूँ। राजीव जी, यहाँ पूछने की मतलब एक खास करके जिस तरह से डंपिंग हो रहा है मास प्रोडक्शन की वजह से, चाइना पूरे वर्ल्ड पे हावी हो रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान के पास इतना पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं मैन पावर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो इस्तेमाल करने में हर एक गवर्नमेंट फेल रही है, आप क्या मानते हैं? ये बात सही है, हमारे यहाँ एंटी डंपिंग के लॉज हैं, लेकिन वो इतने ढीले हैं कि हम उन्हें लागू नहीं करा पाते। मैं आपको एक छोटी जानकारी बताऊं, हिंदुस्तान में एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट देखने के लिए 6 अधिकारी हैं, और अमेरिका में एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट देखने वाले 350 अधिकारी हैं, जबकि अमेरिका का साइज हमारे लगभग माने वर्ल्ड के मार्केट में एक्सपोर्ट और उन सब जीडीपी और उसको देखेंगे इकोनॉमी का साइज, तो अभी कोई अमेरिका का साइज हमसे बड़ा नहीं है, लगभग हमारे बराबरी आ गया है। तो उनके यहाँ एंटी डंपिंग को सख्ती से लागू करने वाले 350 लोग हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 6 लोग हैं, और 6 लोग भी लूले लंगड़े विकलांग एकदम। तो भारत सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, और ये बात सही है कि चीन ने डंपिंग करके मार्केट को खत्म किया है, हमारी पूरी खिलौना उद्योग खत्म हो गई चीन के कारण। राजीव जी, वक्त बहुत कम है, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपका अभियान इतना आइडियल अभियान है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्वदेशी का जिक्र भी नहीं किया, क्या आप सबको एक ही तराजू में रखना चाहेंगे? नहीं, हम तो किससे उम्मीद है आपको? हमको हम थोड़े दिन में ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि हर राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा ये। इस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अगले चुनाव की बात कर रहे हैं। यानी क्या सोच सकते हैं कि राजीव दीक्षित खुद का एक कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आए, या तो किसी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं? नहीं, ना मैं खुद का पार्टी लाऊंगा ना कोई पार्टी में जुड़ूंगा, लेकिन समाज की तरफ से इतनी ताकत के साथ स्वदेशी के मुद्दे को स्थापित करूंगा कि हर राजनीतिक पार्टी के लिए वो पहला एजेंडा बने। राजीव जी, लास्ट क्वेश्चन की आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप विदेशी हर एक चीज को आप बुरी बता रहे हैं, या तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन विदेशी हर एक चीज में से कौन सी चीज आपको पसंद है? कुछ उनकी जो एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, वो कुछ काम के हैं। जैसे बहुत सारे देश हैं जो स्वच्छता पसंद है, साफ सुथरे एकदम बढ़िया तरीके से, भारत में वो हो तो अच्छा है। समय की पाबंदी बहुत है कई देशों में, अनुशासन उनके यहाँ बहुत अच्छा है, तो ये चीजें तो ठीक है, प्रोडक्ट्स उनके अच्छे नहीं है कहीं। फाइन, समझ गया कि कहीं ना कहीं विदेशियों की जो एटीट्यूड है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ कोई प्रोडक्ट, भौतिक स्वच्छता अपना अनुशासन अपना, लेकिन कोई प्रोडक्ट हो सके उतना अवॉइड करिएगा। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक मित्रों, आती बात स्वदेशी अभियान प्रणेता राजीव दीक्षित जी ने, तेमनो पूरो विश्वास छे कि आवनारा दिवसों में जरूर थी तेमना अभियान द्वारा हिंदुस्तान ना दरेके दरेक नागरिकों अने खास करीने राजनेताओं एवा एक स्टेज पर आवशे कि ज्यारे हिंदुस्तान मां स्वदेशी जे पण वस्तुओ छे तेनो प्रभाव मळशे। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी आप सब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।
है।